बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़म इखलास शायर रहमान बाबा के मुश्किल सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज इतकल अंदर की जानिब से खुश आमदीन। तो चले बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक, इस नज़म में इखलास की जो सफ़ात बयान की गई हैं उन्हें मुख्तसर लिखें। जवाब, इस नज़म में रहमान बाबा इखलास को दुनिया की सबसे अहम सफ़त करार देते हुए कहते हैं कि वो लोग मुकाम सुरैया के बराबर इज़्ज़त और एहतराम पाते हैं जो इखलास की अहमियत को पहचान जाते हैं। इखलास की राह पर चलने वाला किसी का गुलाम नहीं रहता। इखलास को दीन इस्लाम का दूसरा नाम करार दिया गया है। इखलास से हर चीज़ को हासिल करने का मुमकिन है, ख्वा वो ख्याली परिंदा हुमा ही क्यों ना। सवाल नंबर दो, हुमा नामी परिंदे की क्या खसूसियत बयान की जाती है। जवाब, हुमा दरअसल एक ख्याली परिंदा है जिसके मुकल्लिक कहा जाता है वो जिसके सर पर बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है, चाहे वो कोई गुलाम ही क्यों ना हो। इखलास की वजह से कौन सा सफ़र आसान हो जाता है। जवाब, फर्श से अर्श तक का सफ़र इखलास की वजह से आसान हो जाता है। इखलास की वजह से आखरत का सफ़र भी आसान हो जाता है, यानी इखलास वालों को ना सिर्फ दुनिया में खुदा का कर्ब हासिल होता है बल्कि मरने के बाद आखरत के तमाम मरहल भी आसान हो जाते हैं। सवाल नंबर चार, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल इखलास है। जो शख्स इखलास को अपनाता है वो हमेशा बुलंद मुकाम पाता है और दुनिया आखरत में कामयाबी इखलास वाली खूबी अपनाने से ही मुमकिन है। इस्लाम भी इखलास का तकाजा करता है कि इस्लाम का दूसरा नाम इखलास है और अमाल की कमूलियत का दारोमदार भी इखलास पर है। संत तजाद की तारीफ़ करें और तीन मिसालें भी दें। जब कोई शायर कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो मैनी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे सनत तजाद कहते हैं। मिसाल, सवाल करके मैं खुद ही बहुत पेशमा हूँ, जवाब दे के मुझे और शर्मशा ना कर। फलक में आग लग जाती तो दोनों रू बरू होते, गरूब शम्स लाजिम था तलू चांद से पहले। एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल अजाब हैं दोनों। पहले शेर में सवाल और जवाब, दूसरे शेर में हमारे पास तलू और गरूब, तीसरे शेर में आग और पानी, दूसरे शेर में आप देखें तलू और गरू, तीसरे शेर में आग और पानी। ये अल्फाज क्या हैं? ये मुतजाद अल्फाज के तौर पर आए हैं। आप कोई और शेर भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा अगली नज़म और उसकी मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आइए, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।